बीएससी मेजर वर्णी विषय के सैकड़ों छात्र छात्राओं को एक सेमेस्टर में सभी के फेल होने पर भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। मामला डिग्री कॉलेज हमीरपुर का है, जहां पर वाटनी के सभी छात्रों को फेल किया गया है, जिस पर अब छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कॉलेज प्रशासन के रवैये के चलते कॉलेज छात्रों का मनोबल गिर रहा है, जिससे मानसिक तनाव में छात्र अब कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के वाटनी प्राध्यापक ने इंटरनल में अंक नहीं दिए, जिस कारण 121 छात्र छात्राएं फेल हो गए। उन्होंने कहा कि दोबारा से असेसमेंट लगाकर भी कॉलेज में दी गई, लेकिन फिर से अंक प्राध्यापक ने नहीं लगाए हैं। छात्रों ने बताया कि वाटनी में 3 बार पेपर देने के बावजूद भी फेल होने पर हैरानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक पेपर की वजह से 6ठे सेमेस्टर में अटके हुए हैं और भविष्य अंधकार में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बीएससी एग्जाम मेजर बॉटनी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का मेजर वही इशू उठा हुआ है। एक्चुअली 3 बार पेपर दे दिया, एक बार सप्ली आई थी, उसके बाद दोबारा से पेपर दिया, फिर से एफ दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा पेपर दिया तब भी एफ आया, उसके बाद अब लास्ट है तब भी एफ आया। अब टीचर से हमने बात की तो बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। 121 बच्चे हैं पूरे टोटल, तो 121 बच्चे पूरे एक तरह से फेल नहीं हो सकते। उसी बात को हम बोल रहे हैं कि हमारे टीचर ने हमें इंटरनल में फेल किया है, उधर जाके बोल रहे तुम लोग यूनिवर्सिटी में फेल हो, थ्योरी में फेल हो, तो हमें वो रीजन पता नहीं लग रहा है कि किस वजह से हमारा रिजल्ट पूरा नहीं दे रहे हैं। और अगर हम टीचरों से बात करें तो वो हमारे बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, वो बोले तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो इस इशू को बोले। और एक सेकंड एग्जाम का है, हमारे इंटरनल असेसमेंट हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने 1-1-2 करके लगाई हुई है। हमने उनसे रीजन पूछा तो बोला कि तुम लोगों ने पेपर नहीं दिया है, असाइनमेंट दिए और पूरा रिकॉर्ड है उनके पास कि हमने फर्स्ट टाइम में वो सब कुछ किया था। सेकंड टाइम उन्होंने फिर से हमसे वो असाइनमेंट वगैरह सब कुछ लिया और फिर दोबारा उन्होंने हमारी असेसमेंट चढ़ाई, पर उन्होंने वो उधर यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाई, बोला कि तुम लोग खुद जाओ। फिर हमने बोला कि सर आप कर दो, तो उन्होंने चढ़ाई पर वो वहां तक नहीं पहुंची है। उसके बाद एक लड़की यहां से पर्सनली अपनी असेसमेंट निकलवा के लेके गई है और वो क्लियर होके गई है वहां पे, और अब हम लोगों को उन्होंने एनवलप बना के दिया है पूरी असेसमेंट सबूत कि हमने चढ़ा दी है, और इसलिए वो वहां पे बोलेंगे। 10 दिन के अंदर अपडेट मिल गया उसका रिजल्ट का, और अब हमें दिया है, हमारे पास पूरी असेसमेंट का एनवलप दिया है, प्रिंसिपल सर के साइन है, तो हम उसको लेके शिमला जा रहे हैं ताकि हम अपना रिजल्ट अपडेट करवा सके वहां पे बोल के। बी कॉम किया और फिजिक्स मैथ बॉटनी और जियोलॉजी इनके टोटल मिला के 100 से अब स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट और थर्ड में 3 बार पेपर देने के बावजूद भी एफ आ रहा है। तो इसका बीच का हम अगर टीचर से पूछ रहे हैं तो वो हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। पेपर था बॉटनी का, वो हम 3 बार दे चुके हैं पेपर, पेपर हमारा अच्छा हुआ है बट उसका रिजल्ट एफ ही आ रहा है, उसका कोई वो नहीं हो रहा है। थर्ड सेम का भी दिया था केमिस्ट्री का, उसका भी एफ आया है, 2 बार दे चुके हैं पेपर हम। हमारा लास्ट ईयर है, अगर हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमारा 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। तरह के पेपर चेक नहीं हो रहे वहाँ पे, ऐसा कुछ हो रहा है। कम असेसमेंट लगाई थी ना हमारी, फिर उधर बोल रहे कि असेसमेंट कम लगी है, बट यहाँ पे फिर से सब कुछ लिया हमारा, वैसे ही फिर से दी हमने असेसमेंट लगाई उन्होंने, बट अब वो भी कम ही लगाई है। छात्रों के समर्थन में एसएफआई संगठन ने समर्थन दिया है और आने वाले समय में छात्रों के हित के लिए धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। एसएफआई के इकाई सदस्य ने कहा कि इस बारे में जल्द कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। ऐसा है कि जो लगातार जो कि अभी जो रिजल्ट है वो है फिफ्थ सेम, और जो फिफ्थ सेम में थे जिन्होंने जो पहले सेम के दिए और थर्ड सेम के जो रीअपीयर के पेपर दिए हैं, ज़्यादातर इस कॉलेज में ऐसा है कि इतने बच्चे थे ज़्यादातर, अभी हमें जो पता लगा बॉटनी में जो 121 बच्चे जो है जो लगातार 3 बार पेपर दे चुके हैं वो फेल है, और तीसरे सेम के जिन्होंने 2 बार दिए वो फिर फेल है। इस मुद्दे को लेकर जो कि है स्टूडेंट जो एसएफआई के पास आ रहा है लगातार, पर इस मुद्दे को हम कॉलेज लेवल पर उठाने की बात कर रहे हैं। पर हम जब प्रिंसिपल या किसी टीचर के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि अपने स्टाफ से बात करो, स्टाफ बोलते हैं प्रिंसिपल से बात करो। इस कारण है कि एक पेपर की वजह से जो स्टूडेंट्स अभी 6th सेम में बैठेगा बैठा है, जो आगे जाके एमएससी का एंट्रांस देगा या कहीं अगले इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, इस पेपर की वजह से जो उनको मुश्किल आएगी। और लगातार जो कई टीचर बोल रहे हैं कि आपके असेसमेंट नहीं की है, पता भी कर रहे हैं पर वो असेसमेंट नहीं भेजी, जब उनसे पता किया जाता है क्यों नहीं भेजी है तो वो कुछ ना कुछ बहाना दे दे रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्वाल का कहना है कि अगर छात्र कक्षाओं में नहीं आएंगे तो प्राध्यापक भी कैसे असेसमेंट में नंबर देगा। उन्होंने कहा कि प्राध्यापक भी मजबूर हैं कि बिना नियमों के काम नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि इंटरनल असेसमेंट के लिए छात्रों को भी सही ढंग से कक्षाओं में आकर पढ़ना चाहिए। बच्चे मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये जैसे कुछ बच्चे मेरे पास भी आए, 2 साल बाद आ रहे हैं, 3 साल बाद आ रहे हैं और कहते हैं 0 असेसमेंट दी है, तो अब बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, अपना
रोल नंबर ही एंटर नहीं करवाया है, मिड टर्म टेस्ट दिए हैं, तो टीचर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है जीरो देने की, क्लासेज में अटेंडेंस ही नहीं है जो मेरे पास किसी में है, तो जब तक क्लास नहीं लगाएंगे टेस्ट नहीं देंगे तो टीचर मजबूर है कि मार्क्स किस चीज़ के लगाने हैं उनको। हाँ, और ऐसा दंडित नहीं है, ऐसा दंडित करना चाहते हैं ऐसा नहीं है, बच्चों की हर टीचर हेल्प करते हैं, जहाँ हम मतलब लिबरल हो सकते हैं बहुत लिबरल हैं, पर बच्चों से एक आग्रह कि क्लास तो लगाए, जो इंटरनल असेसमेंट का है ये बेस्ड है अटेंडेंस के ऊपर और मंथली टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर।